Evening, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी डैंड्रफ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब सर्दी आ रही है, तो सर्दी के टाइम में क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो बाल होते हैं, स्पेशली हमारे जो बाल होते हैं, हमारे बालों में क्या हो जाता है, खुश्की पैदा हो जाती है। बहुत हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बाल हैं, बालों में डेंड्रफ आना स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचोगे कि डेंड्रफ क्यों होता है, तो मेन कॉज जो डेंड्रफ का रहता है वो ये है कि हमारे बालों में एक फंगस होती है, जिस फंगस का नाम होता है मेलेसिजिया ग्लोबोसा। जो मेलेसिजिया ग्लोबोसा नाम का एक जो फंगस होती है वो हमारे बालों में क्या हो बालों में आती है, और जिसकी वजह से वो क्या करती है कि जो ऑयल होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे जो बाल होते हैं, हमारे बालों के पास क्या होता है, हमारे बालों के अंदर एक जो लेयर होती है वो लेयर होती है सेबेसिया ग्लैंड। एक सेबेसिया ग्लैंड होती है, वो सेबेसिया ग्लैंड क्या करती है कि सीबम नाम का एक ऑयल होता है, सीबम ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है। हमारी जो सेबेसिया ग्लैंड होती है वो सीबम ऑयल प्रोड्यूस करेगी, तो जो हमारे पास मेलेसिजिया ग्लोबोसा नाम की जो फंगस थी वो क्या करती है, उसका फेवरेट फूड होता है वो सीबम ऑयल, तो वो क्या करेगी, उस ऑयल को पूरी तरह से वो अपने अंदर एंगल्फ करती है, उसको खा लेती है। जब वो उसको खाती है तो वो क्या करेगी, जो वेस्ट मटेरियल छोड़ती है वो उन सेल्स को डेड करती जाती है। जब वो उन सेल्स को डेड कर देती है तो वो डेड डेड सेल जो होते हैं वो हमारे क्या है, डेंड्रफ, उसको हम डेंड्रफ बोल सकते हैं। जो व्हाइट व्हाइट कलर का आप देखते हो हमारे बालों में, व्हाइट कलर का जो डेंड्रफ होता है वो डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल होता है किस चीज का, मेलेसिजिया ग्लोबोसा का। क्योंकि उसने क्या किया, वो जितना ऑयल था उस ऑयल को तो उसने सिक्रीट कर लिया, उस ऑयल को तो उसने ले लिया, तो उसने क्या किया कि जो वेस्ट मटेरियल जो छोड़ा वो डेड सेल्स थे, जो व्हाइट कलर का आप देखते हो बालों में, जो हम जिसको डैंड्रफ बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे बालों में खुश्की होगी, वो तभी होती है क्योंकि जो सेबेसिया ग्लैंड होती है वो जितना सीबम ऑयल सिक्रीट करती है, जितना सीबम ऑयल वो सॉरी प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या करेंगे, वो मेलेसिजिया ग्लोबोसा उसको क्या करेगा, ले लेता है, तो वो लेता है और वेस्ट मटेरियल छोड़ता है, वो व्हाइट कलर का जो आप जो देखते हो वेस्ट मटेरियल, वो डेड सेल होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो उसको पूरी तरह से ऑयल को ले लेते हैं और बिल्कुल हमारी स्किन को ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं उनमें डेंड्रफ आ जाता है। बट अब मैं आपको बताती हूँ कि इस डेंड्रफ को आप कैसे खत्म कर सकते हो। तो देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑयलिंग करो, बट नहीं, अगर आप ऑयलिंग करोगे तो मैंने आपको बताया कि जो क्या है, मेलेसिजिया ग्लोबोसा नाम की जो फंगस है वो उसका फेवरेट फूड है ऑयल, तो वो ऑयल को क्या करती है, अपने अंदर ले लेती है। जैसे हम भोजन करते हैं वैसे उनका जो भोजन है वो होता है ऑयल, जैसे सीबम ऑयल हो गया, आप कोई भी ऑयल लगाओगे अपने बालों में तो उस ऑयल को वो खाएगा, तो जब वो खाएगा तो क्या होगा, ज्यादा डेंड्रफ हमारी बॉडी में, वो ज्यादा डेड सेल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो ज्यादा सूखी हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि कम ऑयल का यूज करना है और जो हमारी स्किन है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, अपने जो सॉरी हेयर्स हैं, अपने हेयर्स को बिल्कुल क्लीन रखो, बिल्कुल साफ सुथरा रखो। और एक होता है मिकोनाजोल और कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल और कीटोकोनाजोल, ये एक शैम्पू भी, इसका शैम्पू भी मिलता है, कंडीशनर भी मिलता है, अगर आप इसे यूज करोगे तो आपका जो डैंड्रफ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप ये भी यूज कर सकते हो, और उससे भी सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब हमारे बालों में डैंड्रफ हो तो हमें उस टाइम धूप में बैठना चाहिए, हमें धूप लेनी चाहिए। सनलाइट सबसे मेन रीजन होता है सनलाइट का, हम सनलाइट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से ये फंगस हमारी बॉडी में हमारे बालों में आती है, तो हमें प्रॉपर क्या करना है, सन लाइट लेनी है। अगर आप प्रॉपर सनलाइट लोगे तो डैंड्रफ भी आपका पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।